टूडे वी डिस्कस अबाउट फेशियल नर्व दिस इज सेवंथ क्रेनियल नर्व एंड दिस इज मिक्स नर्व इट हैज बहुत सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स आपने थ्री चीजें में याद रखनी है फेशियल नर्व में इसमें न्यूक्लियाई कितने हैं इसका जनरल पाथवे जो सिंपल्स में आपको बताऊंगी बस आपने उतना ही करना है देन इसके फंक्शन सो so, फेशियल नर्व के थ्री न्यूक्लियाई होते हैं फर्स्ट सेंसी नर्व एंड न्यूक्लिया सेकेंड मोटर एंड थर्ड पैरा सिंपथेटिक न्यूक्लिया नर्व सो इसका जनरल पाथवे हम अभी डिस्कस करते हैं देन इसका फंक्शन है फेशियल नर्व नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि फेशियल के मोमेंट्स में इसके फंक्शंस परफॉर्म होंगे सो so इसके फंक्शंस में आएगा फेशियल मोमेंट्स इट परफॉर्म्स फेशियल मोमेंट्स नो कम वर्ड इस पाथवे मैंने आपको अभी बताया फेशियल नर्व के थ्री न्यूक्लियाई होते हैं सेंसरी मोटर एंड पैरासिम्पथैटिक ये कहाँ प्रेजेंट होते, है? होते, है. होते हैं ये पोन्स में प्रेजेंट होता है दिस इज आवर नर्वस सिस्टम दिस एरिया इज कॉल्ड पोन्स दिस इज मिड्योला एंड दिस इज मिड ब्रेन यहाँ पर फेशियल नर्व के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट यहाँ पे सेंसरी सेंसरी नर्व देन मोटर नर्व एंड देन यहाँ प्रेजेंट होता है पैरासिम्पथैटिक नर्व ये दोनों मिल के यहाँ से पोन्स के पार्ट में से निकलते हैं एंड रूट बनाते हैं पोंस में से निकल के ये फाइबर्स एंटर होते हैं इंटरनल इक्वेस्टिक मीटर्स यहाँ पर इंटरनल इक्वेस्टिक मीटर्स प्रेजेंट होते हैं ये फाइबर्स इसमें एंटर हो जाते हैं जो हमारी नर्वस हैं थ्री सेंसरी मोटर पैरासिम्पथेटिक मैंने आपको बताया फेशियल नर्व मिक्स नर्व है इसमें सेंसरी भी होंगे एंड मोटर भी होंगे तो दोनों जो इसके फाइबर्स के जो न्यूक्लियस के फाइबर्स हैं वो एंटर होंगे इंटरनल इक्वे इक्वेस्टिक मीटर्स में देन ये यहाँ से रन करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से रन करते हुए यहाँ पर प्रेजेंट होता है जेनिक्यूलेट गेंग्लियन जेनिक्यूलेट गेंगलियोन में ये एंटर कर जाएंगे यहाँ एंटर करने के बाद जो हमारे फाइबर्स हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे एक अपवर्ड को चला जाएगा एंड जो दूसरा है वो पोस्टीरियर पार्ट की तरफ एंटर कर जाएगा जो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा उसको हम बोलते हैं ग्रेटर पेट्रोसल नर्व ये जो ऊपर की तरफ अपवर्ड को मूव मीडियली टू अपवर्ड मूव करेगी उसको हम बोलते हैं ग्रेटर पेट्रोसल नर्व अब ये ऊपर की तरफ मूव करेगी एंड जहाँ पर प्रेजेंट तो होता है फोरामन लेसिरम फोरामन लेसिरम के अंदर ये एंटर कर जाएगी यहाँ से ये एंटर कर जाएगी टेरिगो पेलाटाइन गेंगलियन में टेरिगो पेलाटन गेंगलियोन यहाँ प्रेजेंट होता है उसमें ये एंटर करके हमारे लेक्रीमल ग्लैंड तक ये रिलेक वहाँ कर देगी यहाँ तक यहाँ आके ख़त्म हो जाएगी एंड सो तो ये लेक्रीमल ग्लैंड को सप्लाई कर देगी लकड़ीमल ग्लैंड का मेन कि हमारे जो हम आंसू प्रोड्यूस होते हैं हमारी आईज में वो इसकी वजह से होते हैं ये जो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व गई है जो आंसू वगैरह हमारे प्रोड्यूस होते हैं वो इसकी जो इंफॉर्मेशन लेके जाती है दैन हमारे आंसू वगैरह प्रोड्यूस होते हैं लेक्रीमल जहाँ भी आएगा आपने याद रखना है कि वो आंसू से रिलेटेड है हमारी आईज से रिलेटेड है दैन uh, uh, हम इसके अलावा ये सप्लाई करती है नैसल ग्रैंड को नैसल गलैंड को भी ये सप्लाई कर देती है दैन फेशियल लव यहाँ से जेनिकुलेट गेंगलियोन से डिवाइड हुई थी अपर की तरफ एंड देन ये पोस्टीरियरली पोस्टीरियरली पार्ट की तरफ नीचे को आ जाती है यहाँ से ये नीचे डिसेंट करती है यहाँ से ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है फर्स्ट पार्ट जो जिसमें ये डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं स्टेपिडियस एंड सेकेंड पार्ट जिसमें ये डिवाइड होती है उसको हम बोलते हैं हम बोलते हैं कॉडिया टिम्पेनी यहाँ पर नेम लिख लेते हैं इसको हम बोलते हैं हैंडिया टिम्पैनी इसका रूट क्या है इस ये यहाँ से एंटर हो होती है एंटर होने के बाद यहाँ से ये यह नीचे की तरफ मूव कर जाएगी मूव करने के बाद यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है सब मेंडिब्यूलर गेंगलियोन मेंडिब्यूलर गेंग्लेन में ये एंटर कर जाएगी मैंडिबुलर गैंगलियोन में से ये पास आउट होने के बाद ये हमारा हम ये नर्व सप्लाई करेगी यहाँ पर हाँ बिल्कुल हमारे लिप्स के पीछे यहाँ प्रेजेंट है सब लिंग ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होते हैं इनको ये सप्लाई कर देगी यहाँ पर आके ये ख़त्म हो जाएगी देन हमारे यहां से इसने टू पार्ट्स में डिवाइड हुई टू इसने ब्रांचेस दी थी जो इसकी मेन जो फेशियल नर्व का रूट था वो देन नीचे की तरफ आएगा मूव करेगा यहाँ पर एक और प्रेजेंट होता है फार्मन जिसको हम बोलते हैं स्टाइलो में स्टार्ट फार्मन स्टाइलो में स्टार्ट फार्मन के एंटर होने के बाद यहाँ पर पीछे हमारे एंटर प्रेजेंट uh, होता है पेरोटिड ग्लैंड पेरोटिड ग्लैंड में ये एंटर हो जाएगी यहाँ एंटर होने के बाद यहाँ पर ये देगी फाइव ब्रांचेस फाइव ब्रांच यहाँ देगी वन टू थ्री फोर एंड फाइव फर्स्ट है टेम्पोर देन बकल मैंडिब्यूलर एंड ये ब्रांचेस ही देगी एंड इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी आ, किसकी फेशियल एक्सप्रेशन की फेशियल मूवमेंट्स की फॉर एग्जांपल आपने स्माइल की है एक मूवमेंट प्रोड्यूस की है तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन होगी ये यहाँ पर आके देगी ठीक थी, है इसी के साथ हमारा फेशियल नर्व कंप्लीट होता है एक दफा देख लेते हैं थ्री नीकलियस यहाँ प्रेजेंट होते हैं सेंसरी मोटर एंड पैरासिम्पथेटिक ये मिल के यहाँ पर एंटर करते हैं इनके फाइबर्स एंटर करते हैं इंटरनल इक्वेस्टिक मीटर्स प्रेजेंट होता है उसमें से ये गुजर के जाते हैं देन यहाँ प्रेजेंट होता है जेनिकुलेट गेंग्लियन जेनिकुलेट गेंगलियोन में एंटर होने के बाद ये डिवाइड हो जाते हैं टू पार्ट्स में अपर में एंड लोअर में जो अपर पार्ट होता है वो अपर मूव कर जाता है और जो सेकेंड पार्ट होता है वो पोस्टीरियरली मूव कर जाता है जो अपर पार्ट होता है वो किसको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन किस जो सप्लाई करती है नर्व Uh, वो लेक्रीमल ग्लैंड को सप्लाई करती है लेक्रीमल का क्या काम है हमारे आंसू को प्रोड्यूस करना ये लैक्रीमल का काम है देन हमारी आई की मूवमेंट्स में भी ये इन्वॉल्व होता है सो so, यहाँ से ये एंटर होती है फॉरमन लेसिरम में फॉरमन लेसिरम में एंटर होने के बाद यहाँ पे टेरीगो पलाटाइन गेंगलियॉन प्रेजेंट होता है उसमें से गुजरने के बाद ये सप्लाई कर देती है हमारी लेस, लेक्रीमल ग्लैंड को एंड नेजल ग्लैंड को इन दोनों को ये सप्लाई कर देती है देन हमारा जो पोस्टीरियर पार्ट है ये नीचे को मूव करता है पोस्टीरियरली यहाँ पे ये देता है टू ब्रांचेस वन ब्रांच इज कॉल्ड स्टेपिडियस एंड सेकेंड ब्रांच इज कॉल्ड कॉडिया टिम्पनी कॉडिया टिम्पनी मूव करता है डिसेंट नीचे की तरफ मूव करता है देन यहाँ पे एक गैंगलियन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सब मैंडिब्यूलर गेंगलियन यहाँ से गुजर गुजरने के बाद नर्व एंड पेस्ट का स्टे होता है सब लिंगल ग्लैंड एंड सब मैंडिब्युलर ग्लैंड कोडा टिम्पैनी सप्लाई कर देती है सब लिंगन ग्लैंड को एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड को ये सप्लाई कर देती है एंड देन जो फेशियल नर्व जो नीचे को आ रही थी वो यहाँ पर एक फ्रामन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइलो मेस्टॉयड फ्रामन स्टाइलो में मेस्टॉयड फ्रामन में से गुजरने के बाद जहाँ पर प्रेजेंट होता है पैरोटिड ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड में एंटर कर देती है यहाँ पर ये देती है फोर ब्रांचेस जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल बक्कल मैंडिबुलर एंड सिलियरी इनको फाइव ब्रांचेस देने के बाद ये परफॉर्म करती है फेशियल मोमेंट्स फेशियल की जो फेस की हम हाँ मोमेंट्स परफॉर्म कर पाते हैं ये इसका फंक्शन है